वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल। स्टडी गाइड ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सितंबर थर्ड वीक तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम जैसे SSCC, GL, CHSL, CPO, बैंकिंग, निफ्ट, रेलवेज या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडी गाइड ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर 2017 थर्ड वीक करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन स्वच्छता ही सेवा फ्रॉम विद सिटी। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, भी रिसेंटली इस साल प्रेसिडेंट बने हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने अभी एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा। तो ये किस सिटी से किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश की सिटी है कानपुर, वहाँ से। और ये जो स्वच्छता ही सेवा कैंपेन है, ये एक नेशन वाइड कैंपेन है और इसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में कानपुर में, और ये किया है सितंबर 15, 2017 को। और इसमें जो है कई पैरल एक्शंस लिए जाएंगे कई ग्राम पंचायत और सिटीज़ में। लगभग 250,000 जो ग्राम पंचायत और सिटीज़ हैं उनमें इसमें पैरल एक्शंस होंगे। इसमें कुछ इमीडिएट पर्सनालिटीज़, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेगी। तो ये जो कैंपेन है ये ख़त्म होगा 2 अक्टूबर, जब भी जो कि गांधी जयंती उस दिन मनाई जाती है, हम लोग गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को, उस दिन ये कैंपेन ख़त्म होगा। तो ये है कैंपेन स्वच्छता ही सेवा। तो आपको ये भी याद रखना कि कैंपेन का नाम क्या है, क्योंकि कई बार कैंपेन का नाम भी पूछ लिया जाता है। और इन्होंने ये स्टार्ट किया कानपुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट इज, इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी यूनिट विल सेट अप इन विच स्टेट। तो इंडिया की जो पहली लिथियम आयन बैटरी है, बैटरी यूनिट, वो कौन से स्टेट में सेटअप होगी? तो देखिए, वो स्टेट है गुजरात। तो इंडिया की जो फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी है वो जो जापानीज ऑटोमोबाइल जीएंड सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन है वो सेटअप करेंगे, और ये सेटअप होगी हंसलपुर गुजरात में। और इसमें जो है वो लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाएगी हाइब्रिड कार मॉडल्स के लिए, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल होगी। तो ये है गुजरात में इसका पहला जो प्लांट होगा वो सेटअप किया जाएगा। तो इंडिया का जो पहला लिथियम आयन बैटरी यूनिट है वो सेटअप होगा गुजरात में। नेक्स्ट इज, IAF मार्शल अर्जन सिंह हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही लेड द इंडियन एयर फोर्स इन विच इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो जो इंडियन एयर फोर्स के मार्शल थे अभी अर्जन सिंह, उनका भी रिसेंटली निधन हो गया। तो उन्होंने लेड किया था इंडियन एयर फोर्स को इंडिया पाकिस्तान वॉर में। तो वो वॉर कौन सा था? वो था 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो इस वॉर में इन्होंने इसको हेड किया था, तो इसीलिए इनको पद्म भूषण भी दिया गया था इस वॉर में, जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई तो उसके लिए उनको पद्म विभूषण दिया गया। और 1965 में वॉर हुआ था और अर्जन सिंह का जो देहांत हुआ वो जब 98 की उम्र में थे तब हुआ, और ये हुआ 16 सितंबर को। तो जो अर्जन सिंह हैं, इनके बारे में आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि ये पहले ऐसे ऑफिसर थे, एयरफोर्स ऑफिसर, जिनको 5 स्टार रैंक पे प्रमोट किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो रिसेंटली एग्जाम्स आएंगे उसका मेन क्वेश्चन है ये कि कौन से 5 स्टार रैंकर हैं, ओनली 5 स्टार रैंकर ऑफ इंडिया एयरफोर्स ऑफिसर। तो वो हैं IAF मार्शल अर्जन सिंह। तो आपको ये पॉइंट्स याद करने हैं। और अब उनकी रिटायरमेंट जब हो गई थी 1969 के बाद, तो उनको अपॉइंट किया था एज एन इंडियन एम्बेसडर टू स्विट्ज़रलैंड। तो ये कुछ पॉइंट है आपको जो कि मार्शल अर्जन सिंह के बारे में याद करने हैं। नेक्स्ट इज, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिशन मोड टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन। तो कौन सी सिटी है जिसने सबसे पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिशन मोड टू एड्रेस अंडर न्यूट्रिशन होस्ट करी? तो ये है इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में ये इसका जो हुआ कॉन्फ्रेंस का होस्ट हुआ, और ये सितंबर 19 को ये कॉन्फ्रेंस करी गई नई दिल्ली में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज करी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, और इनके साथ इनको कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। और इसका जो गोल था वो था मिशन माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया 2022। तो इसका जो मिशन था वो ये था कि 2022 तक जो इंडिया है उसको माल न्यूट्रिशन से फ्री करना। तो ये होस्ट हुआ न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू सेट अप फैमिली वेलफेयर कमिटीज। तो इंडिया का पहला कौन सा स्टेट बना जिसने सेटअप करी फैमिली वेलफेयर कमेटी? तो ये स्टेट है त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो 7 स्टेट्स हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोलते हैं। तो उनमें से जो त्रिपुरा है वो एक 7 सिस्टर स्टेट्स का पार्ट है। तो त्रिपुरा में ये पहली फैमिली वेलफेयर कमेटी सेटअप करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्टेट नहीं था जिसने फैमिली वेलफेयर कमेटी सेटअप करी थी। तो इसमें क्या होगा कि जो वुमेन्स हैं वो अपनी कंप्लेन इसमें दर्ज करवा सकती हैं जो उनके हस्बैंड्स के खिलाफ, उनके इन लॉज और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड्स के लिए, और उसमें वो एक सॉल्यूशन देंगे उनके लिए। तो ये कमेटी सेटअप हुई त्रिपुरा में, और त्रिपुरा हाई कोर्ट पहला इंडिया का हाई कोर्ट रहा अमंग 24 हाई कोर्ट्स जो कि जिसने ये फैमिली वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करी। तो ये है त्रिपुरा। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप पीपल फर्स्ट फॉर सिटीजन्स। तो याद रखिए कौन सा ऐप है, पीपल फर्स्ट। और ये मोबाइल ऐप सेटअप किया, लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो ये आपको इसके साथ साथ इसका ऐप का नाम भी याद रखना है, पीपल फर्स्ट। तो जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये पीपल फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जब उनकी कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी विजयवाड़ा में। और ये जो ऐप है ये एम्पावर करेगा सिटीजन्स को रियल टाइम गवर्नेंस के साथ, और इसमें जो सिटीजन्स होंगे जो इसमें रजिस्टर्ड होंगे उनको लेटेस्ट स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेकर आएगी और उनकी सर्विसेज के बारे में वो अपडेटेड रहेंगे, और जो यूज़र्स हैं वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये ऐप किया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने और इस ऐप का नाम है पीपल फर्स्ट। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट विल कम अप इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में आने वाला है? तो ये आएगा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना जिसमें हाइपरलूप प्रोजेक्ट सेटअप होगा, और ये दो सिटी सेंटर्स हैं विजयवाड़ा और अमरावती, इन दोनों को कनेक्ट करेगा। अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, तो इस वजह से जो डिस्टेंस है 35 किलोमीटर का वो 5 मिनट्स में कवर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप होगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट एडवांस होम्योपैथी वायरोलॉजी लैब हैज़ कम अप इन विच सिटी। तो इंडिया की पहली होम्योपैथी वायरोलॉजी लैब जो है वो कौन सी सिटी में आएगी? तो वो वेस्ट बंगाल स्टेट में आएगी, और जो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वो कोलकाता सिटी में ये होम्योपैथी वायरोलॉजी लैब जो है वो सेटअप होगी। तो आप देख सकते हैं जो श्रीपद येसो नायक हैं जो यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर आयुष के, उन्होंने इनॉग्रेट करी है इंडिया की पहली आर्ट वायरोलॉजी लेबोरेटरी, और ये जो है वो इनॉग्रेट हुई अंजलि चटर्जी रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, और ये है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहली जो होम्योपैथी वायरोलॉजी लैब है वो सेटअप होगी कोलकाता में, और अगर स्टेट पूछ लिया तो वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर एनिमल लॉ हैज़ ओपन इन विच सिटी। तो इंडिया का पहला सेंटर एनिमल लॉ के लिए कौन सी सिटी में ओपन हुआ? तो वो हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में, और ये सेटअप किया नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो हैदराबाद में है। और मेनका गांधी जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने इस एनिमल लॉ सेंटर का इनाग्रेशन किया September 15, 2017 को। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज होस्टिंग द 5th एडिशन ऑफ काजू इंडिया 2017 द ग्लोबल कैश्यू समिट। तो कौन सी स्टेट है जो होस्ट करेगी 5th एडिशन, याद रखिए 5th एडिशन है इस समिट का, काजू इंडिया 2017 द ग्लोबल कैश्यू समिट। तो ये स्टेट है गोवा। गोवा जो है वो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, तो उसके साथ आपको ये भी याद रखना है। तो जो 5th एडिशन है वो होगा गोवा में, जो ग्रैंड हयात होटल है गोवा में वहाँ पर, और September 17 को ये हुआ। और इसमें जो है कई कंट्रीज पार्ट करेगी और कई डेलीगेट्स आएंगे, लगभग 450 से ज़्यादा इसमें डेलीगेट्स आएंगे, और ये 3-day समिट है जिसमें कई फॉरेन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेगी। तो ये एक समिट जो होगी वो होगी गोवा में। नेक्स्ट इज सोनिया हु वॉन गोल्ड एट द अहमद कॉमर्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप फॉर यूथ वुमेन इज़ रिलेटेड टू विच वेट कैटेगरी। तो जो सोनिया है उन्होंने गोल्ड जीता अहमद कॉमर्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप फॉर यूथ वुमेन, और वो कौन सी कैटेगरी, कौन सी वेट कैटेगरी को बिलोंग करती हैं? वो करती हैं 48 kg वेट कैटेगरी को बिलोंग, और इंडिया जो है उनमें इन्होंने इंडिया से उन्होंने ये गोल्ड जीता है अहमद कॉमर्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। और ये जो बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई हुई इस्तानबुल टर्की में, और इन्होंने हराया काजिकिस्तान की जजरिया को, इनके जो अपोनेंट थी उनको इन्होंने हराया। तो ये हैं 48 kg वेट कैटेगरी में, उनका नाम है सोनिया, जिन्होंने ये गोल्ड हासिल किया।
नेक्स्ट इज हु ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द 2017 अकिनेनी नागेश्वरा राव नेशनल अवार्ड. तो किसने ये 2017 का अकिनेनी नागेश्वरा राव नेशनल अवार्ड जीता, तो वो हैं SS राजामौली. SS राजामौली जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक्लेम्ड फिल्म मेकर हैं, और उन्होंने प्रेस्टीजियस 2017 ANR नेशनल अवार्ड जीता, जो कि उनका कंट्रीब्यूशन था तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की में. और ये जो अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट किया गया अकिनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन में, और इसका जो ये इनके नाम पे अकिनेनी नागेश्वर राव के नाम पे अवार्ड दिया जाता है. जो भी फिल्म इंडस्ट्री है उन लोगों को, उनके जो भी अच्छे काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है. तो ये हैं SS राजामौली. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज साइंड MOU विद श्रीलंका टू अपग्रेड थोंडामन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर. तो कौन सी कंट्री है जिसने MOU साइन किया? MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो कौन सी कंट्री है जिसने MOU साइन किया श्रीलंका के साथ, ताकि वो थोंडामन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड कर सके? तो ये कंट्री है हमारी इंडिया. इंडिया ने श्रीलंका के साथ MOU साइन किया, और तो ये जो MOU साइन हुआ ये अपग्रेड करने के लिए हुआ थोंडामन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि हतन में लोकेटेड है और ये है श्रीलंका में. तो इसमें जो है इंडिया इसमें श्रीलंका को हेल्प करेगी इस ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड करने के लिए. तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया किस कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है. तो इसमें इंडिया के साथ आपको कंट्री का नाम भी याद रखना है, वो है श्रीलंका. और कौन से ट्रेनिंग सेंटर को अपग्रेड करने के लिए किया है, तो वो है थोंडामन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर. तो कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव ई व्हीकल पॉलिसी. तो कौन सा स्टेट है जिसने अप्रूव किया ई व्हीकल पॉलिसी? तो वो स्टेट है कर्नाटका. कर्नाटका ने अप्रूव किया ई व्हीकल पॉलिसी, और ई व्हीकल का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये एक एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी है 2017 की. इसमें जो भी फ्यूल होगा उसको, जो भी हमारी डिपेंडेंसी है फ्यूल्स पे, उसको रिड्यूस किया जाएगा, और जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कट किया जाएगा. और इसमें ये है इनिशिएटिव ये लिया गया है मेक इन कर्नाटका के अंडर. तो इसको पुशअप किया जाएगा इस मेक इन कर्नाटका इनिशिएटिव को. तो इसलिए ये कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने ई व्हीकल पॉलिसी का अप्रूवल दे दिया. नेक्स्ट इज द 2017 नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन इंडिया. तो 2017 का नेशनल इंजीनियर्स डे जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया गया? वो किया गया सितंबर 15 को. तो सितंबर 15 को हम हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि ट्रिब्यूट दिया जाता है जो इंडिया के ग्रेटेस्ट इंजीनियर थे और भारत रत्न अवार्डी थे मोक्षा गुंदम विश्ववसरिया. तो ये जो हैं इनके नाम पे ही ये अवार्ड दिया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे का. सॉरी, ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल इंजीनियर्स डे, जो कि इस दिन पैदा हुए थे, इन दिन का बॉर्न हुआ था सितंबर 15 को 1861 में, और कर्नाटका के ये बॉर्न हुए थे कर्नाटका में. तो इसीलिए हम नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 15 को. नेक्स्ट इज़ हु हैज़ वॉन द 2017 वुमेन सिंगल कोरिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट. तो किसने 2017 का वुमेन सिंगल कोरिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता? तो वो हैं PV सिंधु. PV सिंधु जो हैं वो पहले रियो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट भी रही हैं. उन्होंने रियो ओलंपिक्स जो हुआ था 2016 में, वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था, और ये इन्होंने जीता. ये इंडिया की हैं, और इन्होंने ये जो टूर्नामेंट हुआ बैडमिंटन का कोरिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें इन्होंने जीत हासिल करी. तो ये हैं PV सिंधु. नेक्स्ट इज़ हु विल बी द न्यू चीफ ऑफ द सशस्त्र सीमा बल. तो सशस्त्र सीमा बल के कौन न्यू चीफ बनेंगे? तो ये है रजनीकांत मिश्रा, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये इंडिया के बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए इनके बारे में. श्योर क्वेश्चन आते हैं. तो ये हैं रजनीकांत मिश्रा. तो ये भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है. रजनीकांत मिश्रा जो है वो 1984 बैच उत्तर प्रदेश कैडर IPS ऑफिसर है, और वो क्षेत्र सीमा बल जिसको SSB भी बोलते हैं उसके न्यू चीफ बनेंगे, और वो सक्सीड करेंगे अर्चना रामासुंदरम को, जो कि जिनका रिटायरमेंट होगा सितंबर 30 को 2017. तो ये है न्यू चीफ ऑफ सशस्त्र सीमा बल रजनीकांत मिश्रा. याद रखिए रजनीकांत मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये. नेक्स्ट इज पूर्णिमा हेमरम हैज़ वॉन गोल्ड एट द 5th एडिशन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स. शी हेल्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? तो जो पूर्णिमा हेमरम है उन्होंने गोल्ड जीता है 5th एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम में, तो वो कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? वो करती हैं उड़ीसा स्टेट को.
तो जो पूर्णिमा हेमब्रम है उदिशा से, वो एक इंडियन स्प्रिंटर है जिन्होंने वुमेन्स एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स में गोल्ड हासिल किया। और ये गेम हुआ था आशकाबाद तुर्कमेनिस्तान में सितंबर 19, 2017 को। तो इनके अलावा तेजिंदर पाल सिंह टूर और संजीवनी जादव ने भी सिल्वर जीता। और ये आपको याद रखना है, आजकल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। पूर्णिमा हेमब्रम, आपको नाम याद रखना है, इन्होंने गोल्ड जीता और ये बिलोंग करती हैं उदिशा में। नेक्स्ट इज विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर राबी कैंपिंग 2017। आपको बता दें, हमारे इंडियन इंडिया में 3 सीजन्स होते हैं, एक होता है राबी, एक होता है खरीफ एंड थर्ड इज जायद। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई कौन सी सिटी में हुई, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर राबी कैंपेन 2017, ये हुई हमारी इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर राबी कैंपेन है, ये ऑर्गेनाइज करी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में सितंबर 19, 2017 को। ये 2 डे कॉन्फ्रेंस रही, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही, और इसको इनॉग्रेशन किया राधा मोहन सिंह ने। राधा मोहन सिंह जो है वो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर्स हैं। तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड होस्ट हुई न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज वॉट इज़ द इंडियाज रैंक इन द 2017 ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जिसको बोलते हैं GHCI। तो इंडिया की रैंक क्या रही 2017 ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, तो इंडिया रही 103 पोजिशन पे, 103 पोजिशन पे। और ये रैंक है 130 कंट्रीज़ की मिलाकर, तो इंडिया का जो नंबर रहा वो 103 रहा आउट ऑफ 130 नेशंस। और ये थी रैंकिंग थी ये ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो कि जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कंपाइल करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन कंपाइल करता है, कौन ये रैंकिंग निकालता है, तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये जो इसमें जो टॉप किया जिस कंट्री ने, वो है नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड और USA। ये 4 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टॉप किया। तो आपको याद रखना है हमारी इंडिया की क्या रैंक रही, हमारी इंडिया की रैंक रही 103, 103। नेक्स्ट इज विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड एट द ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये कौन से बॉलीवुड पर्सनालिटी हैं जिनको ऑनर किया गया ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड से, और जो कि ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन में हुआ, तो वो है सलमान खान। सलमान खान जो हैं वो इंडिया के सुपरस्टार हैं, और इनको ऑनर किया गया ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड एट ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये सितंबर 15 को इनको अवार्ड दिया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल डाइवर्सिटी। तो आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। अवार्ड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आजकल, क्योंकि अगर आप SSC का पेपर का एनालिसिस करें, अभी जो SSC CGL का एग्ज़ाम हुआ, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो अवार्ड से आ गए हैं, अपॉइंटमेंट से आ गए हैं। तो आप कहीं पर भी ऐसी चीज़ मत छोड़िए, थोड़ा टाइम लगेगा आपको कवर करने के लिए, बट यही मार्क्स हैं जो आपको औरों से ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। तो प्लीज़ अपने ऊपर पूरा फोकस कीजिए पढ़ाई पे थोड़ा, और ये श्योर है कि आप अच्छा कर पाएंगे एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट इज महंत चंद नाथ हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ राजस्थान। तो महंत चंद नाथ हैं जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा से। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अलवर। तो इनका भी निधन हुआ जब ये 61 ईयर्स ओल्ड थे, और ये नोटेड BJP पॉलिटिशियन और रिलीजियस लीडर थे, और इनका दिल्ली हॉस्पिटल में निधन हो गया। तो ये अलवर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ राजस्थान को रिप्रेजेंट करते थे। तो आपको याद रखना है कि ये अलवर के थे, अलवर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ राजस्थान को रिप्रेजेंट करते थे, और ये हैं महंत चंद नाथ। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च शहीद ग्राम विकास योजना टू प्रोवाइड हाउसेज टू फ्रीडम फाइटर्स। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने लॉन्च करी शहीद ग्राम विकास योजना, ताकि वो जो हाउसेज हैं वो फ्रीडम फाइटर्स को वो हाउसेज प्रोवाइड कर सके। तो देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट है झारखंड, झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने ये शहीद ग्राम विकास योजना लॉन्च करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो ये लॉन्च करी है उन्होंने उलीहट्टू, जो कि एक कुंती डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, और उलीहट्टू जो है वो बर्थ प्लेस है झारखंड के ट्राइबल आइकन बिरसा मुंडा का। तो आपको बिरसा मुंडा के बारे में बता दें, बिरसा मुंडा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, एक रिलीजियस लीडर थे, और एक फोल्क हीरो थे जो कि मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे, छोटा नागपुर एरिया से। तो इनके उनकी जो जन्मभूमि है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो है
टू, वहीं पर ये जो योजना है शहीद ग्राम विकास योजना, ये लॉन्च करी गई ताकि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनको हाउसेस प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अपना हैबिटेट जो है वो डेवलप कर सके, बना सके, और उनको बेसिक इमेनिटीज़ भी प्रोवाइड करी गई। तो ये स्कीम है शहीद ग्राम विकास योजना, आपको याद रखना है ये स्कीम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की। तो ये झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। नेक्स्ट इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयरन यूनियन 5 विल स्टार्ट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच कंट्री। तो एक जॉइंट यूनियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया भी बहुत कंट्रीज़ के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। जैसे अगर आप देखें तो इंडिया यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, और ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो आप हमारे स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में आप जाकर वो वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आयरन यूनियन 5, ये यूनाइटेड स्टेट्स किस कंट्री के साथ करता है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स करता है यूएई के साथ। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आयरन यूनियन में यूनियन में यू है, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी यू है, और यूएई में भी यू है। तो तीनों को कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं, यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई। तो ये हुई आयरन यूनियन 5, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। तो ये स्टार्ट होगी 23 सितंबर से 2017 से, और ये होगी अबू धाबी में। इसमें जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो अपने बायलेटरल रिलेशंस और मजबूत करेंगे, और अपनी ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सपर्टाइज को एक्सचेंज करेंगे। इससे इनका जो म्यूचुअल बॉन्ड है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये आयरन यूनियन 5 इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, ये हुई यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई के बीच। विच बॉलीवुड पर्सनालिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन? तो कौन से बॉलीवुड पर्सनालिटी है जिनको अपॉइंट किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्वच्छ भारत मिशन? तो ये पर्सनालिटी है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया स्वच्छ भारत मिशन में। तो अक्षय कुमार जो हैं वो प्रीवियसली पहले भी एक बार ब्रांड एम्बेसडर क्लीननेस ड्राइव के अपॉइंट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको याद रखना है, ये हैं अक्षय कुमार। वॉट इज़ द थीम ऑफ 2017 इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी? तो 2017 के जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व किया गया, उसमें थीम क्या थी? उसकी थीम थी डेमोक्रेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डेमोक्रेसी इसमें वर्ड यूज़ किया गया है एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। तो ये थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल, कई एग्जाम्स में डायरेक्टली थीम्स के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। तो ये थीम है डेमोक्रेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है वो हर साल सितंबर 15 को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और इसकी जो थीम रही वो इस साल बोलती डेमोक्रेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज हैरी डियन स्टेटन द वेटरन एक्टर पास अवे, ही हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो हैरी डियन है जो एक वेटरन एक्टर हैं, वो उनका भी निधन हो गया, तो वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? देखिए वो करते हैं यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को। तो जो हैरी डियन है उनका 91 की उम्र में उनका देहांत हो गया। वो वेटरन अमेरिकन एक्टर, म्यूजिशियन एंड सिंगर हैं जिनका लॉस एंजल्स में जिनका निधन हो गया, लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, और 15 सितंबर को इनका देहांत हुआ। तो इन्होंने जैसे फिल्म्स करी, गॉडफादर 2, एलियन, कूल हैंड ल्यूक, तो ये इनकी फिल्म्स हैं। तो कई बार फिल्म्स के नाम से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तब याद कीजिए हैरी डियन स्टेटन। तो देखिए ये जो ऑबिचरी के क्वेश्चंस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है इनके बारे में भी, तो आप प्लीज़ एक बार इसको पढ़ लीजिए। हु हैज़ वॉन द 2017 फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट? तो 2017 का फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता? तो वो जीता लुइस हैमिल्टन ने। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है ये। ये लुइस हैमिल्टन एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो जिन्होंने ये फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। डॉक्टर के एस चुग द फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी इन इंडिया हैज़ पास्ड अवे, ही हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट? तो डॉक्टर के एस चुग हैं जिनको फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी भी बोला जाता है इंडिया का, और इनका भी देहांत हो गया। तो ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? देखिए ये बिलोंग करते हैं पंजाब को। तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर कृपाल सिंह चुग, इनको के एस चुग के नाम से भी जाना जाता है, और ये 85 ईयर्स ओल्ड थे। ये फादर ऑफ नेफ्रोलॉजी थे इंडिया में, और इनका देहांत हुआ चंडीगढ़ में सितंबर 17 को। और ये एक प्रोफेसर रह चुके हैं, एमेरिटस प्रोफेसर, इसका मतलब इन्होंने अपनी जो सर्विस है वो ऑनरी सर्विस प्रोवाइड करी है। और ये फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी थे
और इनका देहांत हुआ अभी, और ये बिलोंग करते हैं पंजाब को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक टू इंटीग्रेट द UPI ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कौन सा इंडिया का पहला इंडिया पेमेंट बैंक बना जिसने इंटीग्रेट किया UPI को उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म से? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक पहला इंडिया का पेमेंट बैंक बना जिसने UPI को इंटीग्रेट किया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक, और इसमें जो है वो कस्टमर्स को ऐड करेंगे और उनको सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स के बारे में नॉलेज देंगे। नेक्स्ट इज शकीला हु पास जो है रिसेंटली वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम विच फील्ड। तो शकीला जो है उनका भी रिसेंटली देहांत हो गया, तो वो कौन सी वो फेमस पर्सनैलिटी थी कौन सी फील्ड में? तो वो थी फिल्म इंडस्ट्री में। शकीला आप शकीला फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, और शकीला जो है उन्होंने कई फिल्म्स भी दी हैं जैसे आर पार, CID, ये सब उन्होंने फिल्म भी दी है। इनका फेमस सॉन्ग रहा बाबूजी धीरे चलना, जो आर पार का सॉन्ग था, और इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। अभी इनका 82 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया, और ये जो हैं वो हैं फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज द नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हैज साइंड MOU विद बॉर्न फूड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट कलर्ड वीट। द NAB इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जिसे NABI भी बोलते हैं, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बॉर्न फूड इंडस्ट्रीज के साथ ताकि वो कलर्ड वीट को प्रमोट कर सकें। तो जो NABI है NABI वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो किस यूनियन मिनिस्ट्री की है? देखिए इसमें यूनियन मिनिस्ट्री पूछा जा रहा है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है वो प्रमोट करेंगे कलर्ड वीट को, तो ताकि जो डायबिटीज़ है उसका कंट्रोल हो, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी का कंट्रोल हो, तो उसके लिए ये MOU साइन किया है उन्होंने बॉर्न फूड इंडस्ट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज़ वॉन द 2017 कल्पट्टी AGS बुच्चू बाबू ऑल इंडिया इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट। तो कौन सी टीम है जिसने साइन किया है, जिसने जीता है ये टूर्नामेंट? तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद ने ये 2017 कल्पट्टी AGS बुच्ची बाबू ऑल इंडिया इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। तो आपको इसका याद रखना है, ये है हैदराबाद। नेक्स्ट इज विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च गूगल्स UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस तेज। तो गूगल की एक UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस है जिसका नाम है तेज, वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो वो करी है अरुण जेटली ने, यूनियन मिनिस्टर हैं अरुण जेटली। अरुण जेटली जो है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने गूगल का ये UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस तेज, आपको तेज याद रखना है, वो लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। और ये जो ऐप है ये हमारे जो यूज़र्स रहेंगे उनके फ़ोन को उनके बैंक अकाउंट्स के साथ लिंक कर देगा ताकि वो अच्छे से ऑनलाइन जो सेवा है उसको यूज़ कर सकें। और ये जो ऐप है ये दोनों एंड्रॉयड और जो एप्पल आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें दोनों अवेलेबल रहेगा। तो ये गूगल जो तेज है ये लोकल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तमिल और तेलुगु में अवेलेबल रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये डिजिटल पेमेंट सर्विस का नाम है तेज, और ये गूगल की है, और ये लॉन्च करी है अरुण जेटली ने। नेक्स्ट इज हु विल बी द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो कौन बनेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के न्यू डायरेक्टर जनरल? तो ये है YC मोदी। YC मोदी को न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया जाएगा NIA में। और YC मोदी जो है वो 1984 बैच IPS ऑफिसर रहे हैं असम मेघालय कैडरे के, और उनको अब बनाया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रांटेड $1,75,000 फॉर हेल्थ केयर ऑफ रोहिंगा रिफ्यूजीज इन कॉक्स बाजार ऑफ बांग्लादेश। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रांट करेगी $1,75,000 का हेल्थ केयर जो कि रोहिंगा रिफ्यूजीज हैं जो बांग्लादेश में हैं उनके लिए। तो इसमें जो भी एसेंशियल मेडिसिन हैं और लाइफ सेविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो इन यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Who has been appointed as a new interim chairman of NPCI? NPCI बोलते हैं National Payment Corporation of India। तो ये अपॉइंट किया गया है न्यू इंटरिम चेयरमैन जो हैं वो हैं बी संभामूर्ति। तो आपको नाम याद रखना है, बी संभामूर्ति को नया इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है NPCI का।
तो ये जो बी संभामूर्ति हैं ये फॉर्मर डायरेक्टर और सीईओ थे इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, जिसको IDRBT भी बोलते हैं, और अब इनको अपॉइंट किया गया है न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ द NPCI, और ये सक्सीड करेंगे एम बालाचंद्रन को, जो कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है NPCI से CI के सितंबर 2013 तक, और अब इनका जो है वो ये जो बी संभामूर्ति है ये इनको सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग क्लब, तो ये है विक्रम शकुजा। विक्रम शकुजा को नया प्रेजिडेंट बनाया जाएगा एडवर्टाइजिंग क्लब का। तो ये जो विक्रम शकुजा हैं ये ग्रुप CEO ऑफ मेडिसन मीडिया हैं। तो आपके पास आपको इसमें बस यही याद करना है कि क्योंकि अपॉइंटमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये जो न्यू प्रेजिडेंट बनेंगे एडवर्टाइजिंग क्लब के वो हैं विक्रम शकुजा। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ ऑथर्ड द बुक अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप देख सकते हैं कई जो मेन क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कई बहुत इंपॉर्टेंट हस्तियाँ हैं, उनके जो जितनी भी बुक्स होती है उनके बारे में, चाहे उनकी ऑटोबायोग्राफी हो चाहे उनकी बायोग्राफी हो, उससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आप देख लें SSC के एग्जाम में, तो उसमें करण जौहर की जो बुक है द अनस्टॉपेबल बॉय, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। तो ये ऑथर है, ये जो बुक है ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये हैं मारिया शरापोवा ने, इनकी ये बुक है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, और इसमें उनके जो भी लाइफ के जो भी सीन्स रहे, जो जो उन्होंने कैसे कैसे वो टेनिस टाउनडम बनी और कैसे उन्होंने फ़ाइट किया, तो उसके जो भी स्टोरीज़ हैं वो इस बुक में लिखी गई हैं। तो ये बुक है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, और ये है मारिया शरापोवा की। द 13th एडिशन ऑफ द इंडो USA जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2017 हैज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, तो जो 13वां एडिशन है जो इंडो US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का युद्ध अभ्यास 2017, वो कौन सी सिटी से स्टार्ट हुई। देखिए जो ये युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और USA की मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका इस साल 13th एडिशन हुआ, और तो ये कौन सी सिटी से हुआ, ये हुआ वाशिंगटन। वाशिंगटन जो है वो USA में है, तो इसका 13वां एडिशन हुआ युद्ध अभ्यास का, और ये हुआ वाशिंगटन USA में, और ये हुआ सितंबर 16 से। तो इसमें जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी, तो ये होगा वाशिंगटन में। नेक्स्ट इज विच हाई लेवल कमेटी हैज़ रिकमेंडेड INRIs, हुएरेस और डेजर्ट देयर वाइव्स कुड फेस कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट, तो कौन सी हाई लेवल कमेटी है जिसने रिकमेंड किया कि जो NRI है, NRI होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो हैरेस करते हैं अपनी वाइफ्स को या उनको छोड़ देते हैं तो उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वो कमेटी है अरविंद कुमार गोयल कमेटी। तो ये एक हाई लेवल कमेटी है जो कि हेड करी जाएगी, जो रिटायर्ड जज हैं अरविंद कुमार गोयल वो इस कमेटी को हेड करेंगे, और इसमें रिकमेंड किया गया है कि जो भी NRIs हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो अपनी वाइफ को डेजर्ट करते हैं या हैरेस करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो उनका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कमेटी है अरविंद कुमार गोयल कमेटी, याद रखिए इस कमेटी का नाम। Which of the following cricket teams are not directly qualified for the ICC Cricket World Cup 2019? तो कौन सी क्रिकेट टीम है जो डायरेक्टली क्वालिफाइड नहीं हुई ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए? तो ये टीम है वेस्ट इंडीज़ इज ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए क्वालिफाई नहीं हुई, और श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई हो गई ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए। What is the theme of 2017 International Day of Peace? तो 2017 जो International Day of Peace ऑब्जर्व किया गया, तो उसकी थीम क्या रही? देखिए फिर से थीम के बारे में पूछा गया, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है टुगेदर फॉर पीस रिस्पेक्ट सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। तो ये है International Day of Peace की थीम, आप एक बार और पढ़ लीजिए, टुगेदर फॉर पीस रिस्पेक्ट सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल ऑब्जर्व करता है, और ये होता है सितंबर 21 को, और इसमें जो है वो पीस से जितनी भी आइडियाज़ होते हैं उसको स्ट्रेंथ किया जाता है जो नेशंस हैं और पीपल्स के जो अंदर है उसके लिए। और ये जो इस साल जो 2017 का है, इसकी जो थीम रही वो रही टुगेदर फॉर पीस रिस्पेक्ट सेफ्टी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। Which state government has launched a comprehensive land survey for rectification of land records in the state? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया एक कॉम्प्रीहेंसिव लैंड सर्वे
फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन द स्टेट. तो ये स्टेट गवर्नमेंट है तेलंगाना. तेलंगाना ने ये कॉम्प्रिहेंसिव लैंड सर्वे किया. तो इस ये हुआ सितंबर 15 को, और ये जो सर्वे था वो इंडिया का पहला ऐसा सर्वे था. और इसमें जो इसका जो मेन एम था वो था रेक्टिफाई और अपडेट करना जो भी लैंड रिकॉर्ड्स थे. तो ये स्टेट गवर्नमेंट है तेलंगाना. What is the theme of 2017 International Day for the Preservation of the Ozone Layer? तो देख सकते हैं आप इस बार सितंबर 3rd वीक में कितने सारे डेज ऑब्जर्व हुए. तो ये डेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. तो 2017 का इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर जो है जो ऑब्जर्व किया गया उसकी थीम क्या रही. उसकी थीम थी केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन. तो ये थीम इसकी रही, आप एक बार और पढ़ लीजिए, केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन. और ये जो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर है ये हर साल सितंबर 16 को ऑब्जर्व किया जाता है. और ये जो डे है वो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनली क्योंकि इस दिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसको साइन किया गया था 1987 में. तो जो कि डिप्लीट द ओजोन लेयर के लिए था, जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसके लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था. तो इसकी जो इस साल की थीम रही वो थी केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू. तो पेरू के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए, तो वो है मर्सिडीज अराउज. तो मर्सिडीज अराउज को न्यू प्राइम मिनिस्टर पेरू का बनाया गया. तो मर्सिडीज अराउज जो हैं वो लॉ मेकर हैं और पेरू के वन ऑफ द पेरूज टू वाइस प्रेसिडेंट में से हैं. और उनको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू. और ये अपॉइंटमेंट करी पेरुवियन प्रेसिडेंट पेड्रो पेब्लो ने सितंबर 17 को. तो याद रखिए मर्सिडीज अराउस और जितने भी न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है. तो आप याद कीजिए पेरू के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मर्सिडीज अराउस. Which union minister will inaugurate the first pension adalat in New Delhi? तो कौन सी union minister हैं जो inaugurate करेंगे पहली pension adalat New Delhi में. तो ये union minister है जितेंद्र सिंह. जितेंद्र सिंह जो हैं वो पहली pension adalat जो है वो New Delhi में inaugurate करेंगे. और जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं वो minister of state हैं फॉर पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशन के लिए. और ये इनाग्रेट करेंगे पेंशन अदालत न्यू दिल्ली में सितंबर 20, 2017 को. तो इसमें जो भी एग्रीव्ड पेंशर्स होंगे वो अपने जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो इस अदालत में ला सकते हैं और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा. तो ये यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन न्यू इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान. तो किसको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू इंडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान के लिए, तो ये अजय बिसरिया. अजय बिसरिया को ये अपॉइंटमेंट दी गई एज अ न्यू इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान. और ये सक्सीड करेंगे गौतम बंबावाले को और अक्टूबर 2017 में का ये अपॉइंटमेंट होगा. इससे पहले वो थे इंडियन एम्बेसडर टू पोलैंड. तो आपको याद रखना है कि न्यू इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान बने हैं अजय बिसरिया. जना मुस्तफ़ा हैज़ वॉन द 2017 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड. ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री. तो जना मुस्तफ़ा हैं जिनको 2017 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला. तो ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये करते हैं नाइजीरिया. नाइजीरिया जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है. और जना मुस्तफ़ा जो हैं वो नाइजीरियन लॉयर और टीचर हैं जिनको ये 2017 का UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला. उनके जितने भी रोल्स जो भी उन्होंने अच्छे काम किए तो उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया. विच सिटी इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर नेशनल आयुर्वेदा यूथ फेस्टिवल, जिसको NAYF भी बोलते हैं. तो ये है राजस्थान की राजधानी जयपुर. जयपुर ये फर्स्ट एवर नेशनल आयुर्वेदा यूथ फेस्टिवल को होस्ट करने वाली है. तो ये हुआ सितंबर 14, 2017 को. और इसमें जो हैं वो लगभग 3000 यूथ आयुर्वेदा स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. और ये 3 दिन का फेस्ट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है करा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि जयपुर में है और नेशनल आयुर्वेदा एंड यूथ एसोसिएशन नया जो जिसने इसको ऑर्गेनाइज करा है. तो ये सिटी है जयपुर. Who has won the best actor in drama series at the 69th Prime Time Emmy Awards 2017? तो अभी हाल ही में 69th Prime Time Emmy Awards हुए 2017 के. तो उसमें बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज में किसको दिया गया, तो वो है स्टर्लिंग के ब्राउन. ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टर्लिंग के ब्राउन जो हैं उनको ये अवार्ड दिया गया. तो आपको इसमें बस यही याद रखना है.
Which GST committee on exports has been constituted by the Union Finance Ministry? तो कौन सी GST committee है exports पे जो कि constitute करी है Union Finance Ministry ने? तो ये है हसमुख आदिया committee. देखिए जितनी भी committee होती है उनका जो main नाम होता है वो उनके जो भी head होते हैं उन्हीं के नाम पे होता है. अभी हमने पहले भी एक committee देखी थी जिनमें जो head किया था जिन्होंने उन्हीं के नाम पे committee थी. तो जो Union Government है उन्होंने GST committee exports पे ऑर्गेनाइज करी है जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी डॉक्टर हसमुख आदिया हैं जो इस कमेटी को हेड करेंगे. और इस कमेटी का नाम है हसमुख आदिया कमेटी और ये इश्यूज़ को देखेगी जो भी एक्सपोर्ट सेक्टर हैं और उसमें अपने जो रिकमेंडेशंस हैं वो इस पे देगी. तो ये कमेटी है हसमुख आदिया कमेटी. विच कंट्री टू कंडक्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2017 जिसको बिम्स्टेक DMEX भी बोलते हैं. तो DM में आप देख सकते हैं डिजास्टर, M से मैनेजमेंट और EX से एक्सरसाइज. तो ये पहली बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2017 में जो होगी वो कौन कंडक्ट करेगा? वो हमारा इंडिया कंडक्ट करेगी एक्सरसाइज. तो ये पहली बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है और ये कंडक्ट करेगी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो कि अक्टूबर 10 से 13 तक ये कंडक्ट होगी न्यू दिल्ली में और नेशनल कैपिटल रीजन में. इसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डिजास्टर रिडक्शन के वो प्रैक्टिस किए जाएंगे और स्ट्रेंथ करेंगे रीजनल रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अमंग द बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज. तो ये होगी इंडिया में. अजय कुमार सरोज हु वॉन गोल्ड एट द 2017 एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स इज एसोसिएटेड विद विच कैटेगरी? तो जो अजय कुमार सरोज हैं उन्होंने गोल्ड जीता 2017 में एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट्स गेम्स में. तो वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? वो रेस को बिलोंग करते हैं. उन्होंने रेस में गोल्ड जीता. तो ये 1500 मीटर की रेस थी और ये जो हुई वो थी तुर्कमेनिस्तान में और सितंबर 2017 को ये रेस हुई थी. Which film was awarded the Golden Lion at the 74th Venice Film Festival? तो कौन सी फिल्म को अवार्ड किया गया गोल्डन लायन 74th Venice Film Festival में? तो वो फिल्म है द शेप ऑफ वाटर. शेप ऑफ वाटर को ये अवार्ड दिया गया और ये एक रोमांटिक फिल्म है, रोमांटिक मॉन्स्टर फिल्म है जो कि जिसको ये अवार्ड मिला गया. तो ये फिल्म है द शेप ऑफ वाटर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लॉन्च द सरदार सरोवर डैम द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट ऑन विच रिवर? तो जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ये लॉन्च किया है एक सरदार सरोवर डैम. तो उन्होंने ये वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट डैम है. तो ये कौन सी रिवर पे इन्होंने ये इसका इनॉग्रेशन किया? तो ये किया नर्मदा नदी पे. याद रखिए जो नर्मदा नदी है वो इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है में से एक है. तो आपको ये याद रखने हैं कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नर्मदा नदी के बारे में क्योंकि नर्मदा नदी अभी न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो ये 1.2 किलोमीटर लॉन्ग डैम है. तो ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अपने जन्मदिन पर ये डैम का इनॉग्रेशन किया. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन डील वर्थ डैश मिलियन विद जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक लोन साइन किया कितने मिलियन का जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के साथ? तो वो है $76 मिलियन का. और ये आपको इसमें यही याद करना है बस इसके वैसे जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो है $111 मिलियन लेकिन जिसमें से जो $76 मिलियन है वो प्रोवाइड करेगा एक शॉर्ट लोन फ्रॉम JICA. द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व ऑन. तो अभी हमने इसकी थीम पढ़ी थी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की थीम क्या थी. अब इसकी कौन से दिन सेलिब्रेट होता है ये आपको अगर याद हो तो ये होता है September 16 को. तो ये हर साल September 16 को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी जो थीम है वो है केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन. और इसमें जो 30th एनिवर्सरी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उस दिन इसकी एनिवर्सरी के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाएगा. और इस ये है ओजोन लेयर और इसकी जो थीम है वो थी केयरिंग फॉर ऑल अंडर द सन. The world's oldest person died at the age of 117 years. तो दुनिया का जो oldest person है उनकी death हुई 117 की age में. तो वो कौन है? वो है Violet Mosey Brown. तो Violet Mosey Brown की जो death हुई वो हुई जमैका के हैं ये. इनकी अभी निधन हुआ तो इनका जो born हुआ था वो हुआ था 10 मार्च 1900 में. देखिए कितने साल पुराने हैं ये, 117 साल पुराने हैं. और इसी तरह से ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन बने हैं हमारे वर्ल्ड के. और इससे पहले जो थे वो थे इटली के
थे इमाम मरोना, जिनकी भी मृत्यु 117 साल के में हुई थी। बट अब उनसे भी जो ओल्डेस्ट पर्सन बने वो हैं वॉयलेट मोस ब्राउन। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के हैं, ये हैं जमाइका के। विच कंट्री टॉप द रिटेल डेस्टिनेशन इन 2017 एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कौन सी कंट्री ने ये टॉप किया, तो ये है इंडिया। इंडिया ने इसको टॉप किया रिटेल डेस्टिनेशन 2017 को। तो इंडिया ने रिप्लेस किया चाइना को एज अ टॉप रिटेल डेस्टिनेशन इन 2017। तो ये कंट्री है इंडिया। हु वॉन द UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2017 नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया जना मुस्तफ़ा को। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो जना मुस्तफ़ा जो हैं वो नाइजीरिया को बिलोंग करती हैं और उनको ये UNHCR 2017 नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, उनकी जो भी अच्छी एक्टिविटीज़ थी, गुड एक्टिविटीज़, उस पर ये अवार्ड उनको दिया गया। द ऑफिशियल एम्बलम एंड स्लोगन फॉर फीफा वर्ल्ड वुमेंस वर्ल्ड कप फ्रांस 2019 इज़। तो ऑफिशियल एम्बलम और स्लोगन क्या रही फीफा वर्ल्ड कप वुमेंस वर्ल्ड कप फ्रांस 2019 की, तो ये रही डेयर टू शाइन। देखिए ये स्लोगन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो रियल ओलंपिक्स की जो स्लोगन थी उसके बारे में भी कई डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो याद रखनी है ये फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप की स्लोगन है जो कि फ्रांस 2019 में होगा। तो ये है डेयर टू शाइन। नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ द योगा फेस्टिवल एंड इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2017 स्टार्टेड। तो योगा फेस्टिवल और इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2017 की स्टार्ट हो गई। तो ये कहाँ पर हुई, ये हुई जम्मू एंड कश्मीर में, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है वहाँ पर ये स्टार्ट हुई। और जो NN वोरा हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं, उन्होंने ये इनाग्रेट करी सेकेंड इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल एंड इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2017 को। तो आपको इसके बारे में याद करना है, इसमें कम से कम 300 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें जो कि इंडिया, वियतनाम, ताइवान, कनाडा, बल्जीरिया, USA, नेपाल को बिलोंग करते हैं, वो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये फेस्टिवल है योगा फेस्टिवल और ये होगा जम्मू एंड कश्मीर में। यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप इन न्यू दिल्ली ऑथराइज टू प्रोटेक्ट द शेयर बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड नेपाल, इंडिया विद नेपाल एंड भूटान। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे राजनाथ सिंह, यूनियन होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने लॉन्च किया एक ऐप न्यू दिल्ली में जो कि प्रोटेक्ट करेगा जो भी हमारी शेयर्ड बॉर्डर्स हैं नेपाल और भूटान की इंडिया के साथ, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ऐप कौन सा है, तो ये ऐप है SSB, जिसको हम सशस्त्र सीमा बल भी बोलते हैं, और वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, जिसको WARB भी बोला गया। तो ये दोनों ऐप, ये जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो ये लॉन्च करेंगे। तो ये आपको दोनों ऐप के बारे में याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, सशस्त्र सीमा बल एंड वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड। 13th मीटिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमीशन विल हेल्ड इन। तो 13वीं मीटिंग जो इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की है, तो वो कहाँ हेल्ड होगी, वो होगी कजाकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है, जो यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान, वो इसमें जाएंगे, इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, जो कि 13th मीटिंग है इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होगी। हाउ मेनी इंडियंस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स स्पेशल लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 ग्रेटेस्ट लिविंग बिजनेस माइंड। तो इंडिया के कुछ जो लोग हैं उनको इस फोर्ब्स स्पेशल लिस्ट में इंक्लूड किया गया, जो कि 100 ग्रेटेस्ट लिविंग बिजनेस माइंड्स की लिस्ट है, फोर्ब्स निकालती है ये लिस्ट। तो इंडिया के 3 इंडियंस को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, वो 3 इंडियंस हैं रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल एंड विनोद खोसला, जिनको इस फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 ग्रेटेस्ट लिविंग माइंड्स में शामिल किया गया। और कुछ नोटेबल ऑनरीज हैं जो हैं वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जेफ़ बिजॉस। तो ये सब जो हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जिन जो ये लिस्ट में हैं। तो 100 ग्रेटेस्ट लिविंग बिजनेस माइंड जो कि फोर्ब्स निकालती है, तो उसमें इंडिया के 3 लोगों को शामिल किया गया। द इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI हैज़ नॉमिनेटेड हुम फॉर द कंट्रीज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द पद्म भूषण। तो ये जो BCCI है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इन्होंने नॉमिनेट किया एक पर्सन को जो कि जिनको ये थर्ड कंट्री का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट किया। तो वो हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी हैं, वो इंडियन क्रिकेटर हैं, और उनको BCCI जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से पद्म भूषण के लिए नॉमिनेट किया गया, जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है गेम के लिए। तो आपको याद रखना है पद्म भूषण जो है वो
बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड रहता है, और ये जो है वो पद्म अवार्ड्स में से एक अवार्ड है, और ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए नॉमिनेशन, इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी को नॉमिनेट किया गया। तो ये अभी न्यूज़ में भी है, बहुत चर्चित है, तो आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। नेम द साइकिलिस्ट हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर साइकिलिंग अराउंड द वर्ल्ड बाय 44 डेज। तो ये साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने पूरी दुनिया 44 डेज में घूम ली है, तो ये साइकिलिस्ट हैं मार्क ब्यूमॉन्ट। तो मार्क ब्यूमॉन्ट हैं, उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करा, और इन्होंने 44 डेज में जो है वो साइकिलिंग करके पूरा दुनिया घूमी। तो ये हैं मार्क ब्यूमॉन्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया, और ये 34 ईयर ओल्ड हैं, और इन्होंने साइकिलिंग करी 44 डेज में। नेम द सीनियर IPS ऑफिसर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। देखिए फिर से सशस्त्र सीमा बल का क्वेश्चन है, तो ये है रजनीकांत मिश्रा, इनको सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, और ये सीनियर IPS ऑफिसर हैं रजनीकांत मिश्रा। और ये जो हैं, आपको इसके बारे में याद रखना है कि ये एट प्रेजेंट जो हैं वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो अब इनको बनाया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। लास्ट क्वेश्चन इज़ द 69th एनुअल प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स पर अनाउंस रिसेंटली। तो अभी हमने एमी अवार्ड्स का भी ये क्वेश्चन पढ़ा था कि बेस्ट एक्टर किसको दिया गया। अब ये है कि जो नेम द फर्स्ट वेब टेलीविजन सीरीज़ टू विन द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़। तो कौन से टेलीविजन सीरीज़ को, फर्स्ट वेब टेलीविजन सीरीज़ को ये अवार्ड दिया गया आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ के लिए? तो ये हैं हैंडमेड्स टेल। इस सीरीज़ को ये अवार्ड दिया गया एज अ फर्स्ट वेब टेलीविजन सीरीज़, और ये 69th एनुअल प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स हुए थे, जो कि कैलिफोर्निया, जो कि ये अवार्ड्स हुए, और यहाँ पर जो हैंडमेड्स टेल को ये आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो थर्ड वीक सितंबर के थर्ड वीक तीसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके आने के एग्जाम्स में चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स को काफ़ी महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आपके काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, उससे हमें और इनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम आपको और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो प्रोवाइड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो